इवनिंग क्लास. नाउ अगेन वी आर स्टार्टिंग द रिविजन फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मोशन. ओके, सो इन दिस चैप्टर नाउ वी आर टेकिंग न्यूमेरिकल्स एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज आई थॉट दैट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि या तो आपके पास कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं है, जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं एनसीईआरटी या प्राइवेट पब्लिकेशन बुक उसमें इतने सारे न्यूमेरिकल नहीं है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने जा रहे होते हैं तब आपके पास न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होने चाहिए. न्यूमेरिकल्स की कोई लिमिट नहीं है, ना ही ऐसा कोई कंपल्शन है कि बुक से ही आएगा. तो इसलिए हियर आई हैव टेकन दोज क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम सैम्पल पेपर और फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स. ओके, सो आपको ये जो आप रिवीजन नोटबुक है आपकी, इसी में प्रैक्टिस करने हैं, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम के लिए दोबारा से देखें कि क्वेश्चंस मुझे कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, तब वो आपको इजीली अवेलेबल हों. ऐसा नहीं है हमने ये अभी लिखे हैं फिर आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमें पता ही नहीं है कि हमारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस कहाँ हैं. और दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके साथ में सॉल्यूशंस भी दिए हैं. तो सॉल्यूशंस देने का पर्पज़ ये है कि कभी कभी जब एक्सप्लेनेशन होता है एंड ओनली आई एम टेलिंग द मेथड दैट बाय दिस फॉर्मूला बाय दिस इक्वेशन दिस विल बी सॉल्व, तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है. इसलिए मैंने यहाँ सॉल्यूशन इस पर्पज़ से दिए हैं कि आप मेथड देख लें, उसके बाद में सेल्फ नोट डाउन करके सॉल्व करें. लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि आपको आता है, नहीं है या आता है फिर भी आप लाइन टू लाइन नोट डाउन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. जो तरीका है आपको वैसे ही करना है. न्यूमेरिकल आप कैसे करते हो, सबसे पहले गिवन नोट डाउन करना है, देन टू फाइंड आउट, फिर फॉर्मूला देखना है कौन सा यूज़ होगा, और उसके बाद कैलकुलेशन तो आपको हमेशा अपने आप से ही करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन का कोई भी सेपरेट मेथड नहीं है. कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है दैट डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ. अगर आप न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन कॉपी करने लगेंगे तब आप कभी भी न्यूमेरिकल को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, सो सॉल्यूशन देने का पर्पज़ यही है कि आप उसकी कैलकुलेशन को सेल्फ करें, उसको सेल्फ करें. ओके, so let's start from practice set here. So in this, see the first question is an airplane accelerates down a runway at 3.20 meter per second square for 32.8 second until it finally lifts off the ground. Determine the distance traveled before takeoff. So mostly these all the numericals depends on इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो आपको पहले सबसे पहले तो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन रिवाइज करनी है, और उन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन को रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है कि उनको कहाँ पर कौन सी यूज़ होना है, किसमें टाइम दिया है, किसमें डिस्टेंस है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज़ कैसे होती हैं, तो ये सब बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए. इसीलिए मैंने स्पेशली ये वाले क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है एयरप्लेन एक्सेलरेट्स डाउन. एयरप्लेन जो है वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट करता है डाउन अ रनवे एट 3.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज़ व्हाट, ये है एक्सेलरेशन. ठीक है, यूनिट से भी आप पहचानेंगे और वर्ड भी लिखा हो सकता है. फॉर 32.8 सेकेंड का मतलब ये टाइम दे रखा है. अनटिल इज फाइनली लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड, जब तक कि वो ग्राउंड को लिफ्ट नहीं कर देता, ग्राउंड से ऊपर नहीं चला जाता. डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर टेक ऑफ, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है टेक ऑफ से पहले तक. ओके, तो देखिए जब वो एक्सेलरेशन स्टार्ट करता है, तो एक्सेलरेशन स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी. तो कोई भी चीज़ जब चलना स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो. ठीक है, या फिर ये वर्ड हो सकता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, या फिर जैसे यहाँ लिखा है कि एक्सेलरेट्स, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी. एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, अब आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस. तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, तो यहाँ पर इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो आप यूज़ कर सकते हैं सेकंड भी और थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. तो बेटर सेकंड यूज़ करना है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, बट इट डिपेंड्स ऑन यू. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सेकेंड ही यूज़ करना है. तो आपने यहाँ सेकेंड इक्वेशन यूज़ की, यू टी वाला पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यू ज़ीरो है. हाफ ए टी स्क्वायर में आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है. ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ पुट की नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताया है, एस इज़ इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करके यू विल सेंड द सॉल्यूशन टू मी. जिनके यहाँ पर आंसर नहीं है, कुछ के आंसर हैं, जिनके नहीं हैं उनके आंसर आपको भेजना है, वही आपका होमवर्क है. ठीक है,
तो सबके आंसर नहीं भेजना है, सबको करके नहीं भेजना है, बस वही भेजने हैं आंसर जिनके आंसर यहाँ नहीं दे रखे हैं मैंने, वही रिवीजन है आपका। कम टू क्वेश्चन नंबर टू, इसमें दे रखा जीप स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो देखिए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट वर्ड आ गया ना यहाँ पर, तो रेस्ट का मतलब यू क्या होगा, ज़ीरो, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली ओवर अ टाइम ऑफ 5.21 सेकेंड्स। तो यहाँ सेकेंड्स का मतलब दिस इज़ व्हाट लीनियर टाइम, ये टाइम दे रखा है। डिस्टेंस दे रखी है, मीटर मीन्स डिस्टेंस, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द जीप। अब फिर से वही चीज़ें गिवन है, जब आप एक बार गिवन नोट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या फाइंड करना है, कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है उसमें गिवन नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिखना है, और इसीलिए मुझे पता भी चल जाएगा कि किसने इसको टोटल कॉपी किया है, क्योंकि जब आप नोटबुक सबमिट करोगे तो आपका माइंड कितना यूज़ हुआ है वो उस नोटबुक में लिखा होगा। ओके, तो देखिए बिल्कुल डिटो कॉपी पेस्ट मत किया करिए, यहाँ पर आपको जैसे लिखा है वैसे नहीं करना है, बस आपको ये हिंट मिल गया कि ये इक्वेशन यूज़ हो रही है। तो देखिए यहाँ फिर से इक्वेशन सेकंड यूज़ हुई है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि फिर से यहाँ यू ज़ीरो है, जहाँ यू ज़ीरो है वहाँ आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, और ये जो कैलकुलेशन का मेथड है यहाँ पर पहले वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, बाद में ए को लेफ्ट साइड लिया है, लेकिन मैंने आपको कैसा बताया है कि पहले आप सॉल्व करके जो भी आपको फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड में लेते हैं। यहाँ ए को पहले लेफ्ट साइड में लेंगे, फॉर्मूला किस फॉर्म में आएगा, ए इज़ इक्वल टू 2s अपॉन टी स्क्वायर। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ओके। सो आई होप ये आपको समझ में आया है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें पुट करना है वो ए को लेफ्ट साइड में लेने के बाद फिर हम वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करेंगे, फिर आती है आपकी कैलकुलेशन। तो अगेन आई एम सेइंग कैलकुलेशन आपको समझ में तभी आएगी जब आप अपने हाथ से नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो डू दिस एंड चेक द आंसर अगेन दैट इट इज़ कमिंग 8.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नॉट, ओके। इफ़ एनी प्रॉब्लम इज़ देयर देन यू विल आस्क टू मी। Then come to question number 3. John is riding the Gian drop at Canada. If John free falls for 2.6 seconds, what will be his final velocity and how far will he fall? तो देखिए इस question में क्या दे रखा है, John is riding the Gian drop at Canada. तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि this is the case of riding. एक पर्सन जो है वो राइडिंग स्टार्ट करता है और उस राइडिंग में वो फ्री फॉल का मतलब अंडर ग्रेविटी फॉल डाउन हो रहा है। कितने टाइम के लिए, टाइम दे रखा है 2.6 सेकंड्स। उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, तो फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी वी फाइंड करनी है, और हाउ फार, कितनी दूर वो जाता है यानी कि डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, टाइम गिवन है और यू गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जब यू गिवन है और टाइम गिवन है और फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में एक चीज़ और पता होती है आपको, स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कितनी है 9.8। जब बॉडी नीचे आती है तो जी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। बहुत सारे बच्चों ने आंसर में लिखा था नेगेटिव, लेकिन याद रखिए फ्री फॉल नीचे आते वक्त जी की वैल्यू पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब बॉडी ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ गिवन है, पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की है, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करने के बाद में, वैसे फर्स्ट इक्वेशन की यहाँ ज़्यादा, फर्स्ट इक्वेशन में v इज़ इक्वल टू u प्लस जी टी आप यहाँ लिखेंगे और डायरेक्ट उससे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन की, पहला पार्ट फाइनल वेलोसिटी है ना, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, v फाइंड करेंगे, दूसरा पार्ट है s फाइंड करना, उसके लिए आप यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन, फिर से यू टी ज़ीरो हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 33.124 मीटर, ओके। कम टू क्वेश्चन नंबर 4 देन। अ रेसिंग कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18.5 मीटर पर सेकेंड टू 46.1 मीटर पर सेकेंड। इसमें देखिए क्या है, इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटीज़ दी हैं, यू है आपका यहाँ 18.5 और वी है 46.1। एक कार की स्पीड बढ़ना स्टार्ट होती है 18.5 से 46.1 हो जाती, कितने टाइम में, 2.47 सेकेंड्स में। क्या फाइंड करना है आपको, एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है और डिस्टेंस एस फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास आ जाता है वी माइनस यू अपॉन टी, डायरेक्ट सारी वैल्यूज गिवन है, और ए फाइंड करने के बाद जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो उसके लिए यहाँ गिवन नहीं है, तो डिस्टेंस के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो डिस्टेंस के लिए आप यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस. जब आप एस फाइंड करेंगे तो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए. वैल्यू सारी पुट करेंगे देन आंसर यू विल शो टू मी. यहाँ गिवन नहीं है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए. अ फैदर इज ड्रॉप्ड ऑन द प्लैनेट अदर देन अर्थ विच इज़ वेरी लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.40 मीटर्स. द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द अदर प्लैनेट इज दिस. गिवेन है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिटरमाइन द टाइम ऑफ फैदर टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अदर प्लैनेट. तो यहाँ पर क्या करना है, टाइम आपको फाइंड करना है फॉल डाउन होने का. जब प्लैनेट पर फैदर फॉल डाउन हो रहा है तो यू फॉल डाउन, यू कितना होगा, जीरो. एक्सेलरेशन गिवेन है, जी नहीं लिखेंगे उसको क्योंकि वो अदर प्लैनेट है. और डिस्टेंस भी गिवेन है 1.40. टाइम फाइंड करना है, सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे. यू टी जीरो हो जाएगा, आपका बचेगा रिलेशन एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. और इसमें आप टी को लेफ्ट साइड लेंगे तो पहले टी स्क्वायर लेना पड़ेगा लेफ्ट साइड, तो टी स्क्वायर हो जाता है. टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस अपॉन ए. टी फाइंड करेंगे तो अंडर रूट टू एस अपॉन ए. और फिर आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. रॉकेट पावर्ड स्लेड्स आर यूज टू टेस्ट द ह्यूमन रेस्पॉन्स टू एक्सेलरेशन. इफ अ रॉकेट पावर्ड स्लेड इज एक्सेलरेटेड टू अ स्पीड ऑफ 444 मीटर पर सेकेंड इन 1.8 सेकेंड्स. तो डोंट थिंक अबाउट द लैंग्वेज, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है कंपटीशन बेस्ड भी हैं. लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी सी अलग लगे, बट यू कैन टेक इट एज अ कॉमन लैंग्वेज. एक रॉकेट है, वो फ्लाई ऑफ होना स्टार्ट करता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन की स्पीड है वो 444 मीटर पर सेकेंड है 1.8 सेकेंड्स में. इनिशियल स्पीड आपको पता है ज़ीरो होगी, इतनी स्पीड तक वो पहुंच जाता है. तो उसको उसका एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है और डिस्टेंस एस फाइंड करनी. फिर से वही है, मोस्टली आप देख रहे हैं सभी में या तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ हो रही है या सेकेंड. तो यहाँ पर आप पहले फर्स्ट इक्वेशन का ही एक फॉर्म होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. इस फॉर्म में ले लेंगे, ए फाइंड करेंगे, फिर आप सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे वैल्यूज तो यू टी जीरो हो जाएगा. फिर आपका कैलकुलेशन वैसा ही है, आंसर विल बी 399.6 मीटर. क्वेश्चन नंबर 7. होंडा एक्टिविटा एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड ऑफ दिस. तो रेस्ट का मतलब यू जीरो होगा, स्पीड वी आपकी 7.10 मीटर पर सेकेंड होगी, डिस्टेंस है 35.4 मीटर. आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन. तो कौन सी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं दे रखा है तो क्लियर है वो इक्वेशन होगी जिसमें टाइम नहीं आता है. कौन सी इक्वेशन है, थर्ड. ओके, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. डायरेक्ट का रखा है, कैलकुलेशन जिसको आती है वही कर पाएगा. सो दीज आर सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो शो करेंगे कि आप कॉपी कर रहे हो या आपने खुद किया है. क्वेश्चन नंबर 8 है. एन एरोनॉटिक्स इंजीनियर इज डिजाइनिंग द रनवे फॉर एन एयरपोर्ट ऑफ द planes that will use the airport. The lowest acceleration rate is likely to be A दे रखा है 3 meter per second square. The take off speed for this plane will be 65 meter per second. ये final speed होगी, initial speed will be 0. Assuming this minimum acceleration, what is the minimum allowed length for the runway? तो length का मतलब क्या find करना है, distance. तो इसमें फिर से time नहीं दे रखा है तो third equation use होगी और आप solve करेंगे then V you can find out. 9th क्वेश्चन है. अ BMW कार ट्रैवलिंग एट 22.4 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से वो चल रही है, ये U है इनिशियल स्पीड, स्किड्स टू अ स्टॉप, स्टॉप हो जाती है, मतलब V क्या होगा, 0, 2.55 सेकेंड्स में. दिस इज टाइम. डिटरमाइन द स्किडिंग डिस्टेंस ऑफ द कार. स्किडिंग कितने देर में वो रुक जाती है, वो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है. तो यहाँ पर S फाइंड करना है और S के लिए आप यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. लेकिन यहाँ ए भी नहीं दे रखा है, थर्ड इक्वेशन में ए आता है तो पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन से ए फाइंड करना है, उसके बाद थर्ड इक्वेशन यूज़ करनी है. 10th क्वेश्चन. अ कंगारू इज कैपेबल ऑफ जंपिंग टू अ हाइट ऑफ दिस. हाइट एच का मतलब एच भी यूज़ कर सकते हैं, एस भी यूज़ कर सकते हैं. डिटरमाइन द टेक ऑफ स्पीड ऑफ द कंगारू. तो यहाँ पर जब वो टेक ऑफ जंप करेगा ना, तो जंप करने में ऊपर की तरफ जब जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी वी जीरो होगी. इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस गिवन है और वर्टिकल मोशन है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होगा, माइनस, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे. फिर 11th क्वेश्चन है आपका. इफ़ राहुल हैज़ अ वर्टिकल लीप ऑफ 1.29 मीटर
मीटर है इसका मतलब ये डिस्टेंस है, एस दे रखा है, देन व्हाट इज़ हिज टेक ऑफ स्पीड एंड हिज हैंग टाइम. तो आपको एक तो स्पीड फाइंड करनी है. टेक ऑफ स्पीड का मतलब वर्टिकल लीप, उस जंप कर रहा है ये भी, और उसमें ब्रैकेट में लिखा भी है टोटल टाइम टू मूव अपवर्ड्स. क्लियर हो गया कि अपवर्ड्स मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब आपको यू फाइंड करना है, वी ज़ीरो होगा. और अपवर्ड्स मोशन में जो जी है दैट विल बी विद माइनस साइन. क्या फाइंड करना है आपको, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा टाइम. तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के लिए थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन की एक फॉर्म हो जाएगी माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि वी ज़ीरो हो जाएगा. तो ज़ीरो इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर यू इज इक्वल टू माइनस ए टी. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन ए. क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका, बुलेट लीव्स राइफल विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ 521 मीटर पर सेकेंड. तो ये वेलोसिटी वी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि कहा जाता है बिफोर फायरिंग इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो. व्हाइल एक्सेलरेटिंग थ्रू द बैरल ऑफ द राइफल बुलेट मूव्स अ डिस्टेंस. आपको लैंग्वेज समझ में अगर नहीं भी आ रही तो दैट डजेंट मैटर, आपको सिंबल्स पहचानने हैं. मीटर पर सेकेंड का मतलब वेलोसिटी है, और जो यहाँ गिवन है मीटर इट मीन्स डिस्टेंस. क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन. तो ये सारा गिवन नोट करिए, जैसे यहाँ लिखा भी है हियर दिस, और फिर उसके बाद फॉर्मूला देन कैलकुलेशन. 13 क्वेश्चन है आपका, बेसबॉल इज पॉप स्ट्रेट अप इनटू द एयर एंड हैज़ अ हैंग टाइम ऑफ 6.25 सेकेंड. डिटरमाइन द हाइट टू विच द बॉल राइजेस. फिर से ये हाइट वाला क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि हाइट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी के लिए यहाँ पर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ होगा. इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो हियर, और एक्सेलरेशन प्लस साइन के साथ आएगा. यहाँ आप चाहें तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो इस फॉर्म की जगह यहाँ ए लिखा है, दैट डजेंट मैटर, आपको जैसे भी करना है, जिस भी लैंग्वेज में लिखना है यू कैन डू. क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द ऑब्जर्वेशन डेक ऑफ द टॉल स्काई स्क्रैपर 370 मीटर, ये डिस्टेंस है अबव द स्ट्रीट. डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पैनी टू फ्री फॉल फ्रॉम द डेक टू द स्ट्रीट बिलो. तो एस दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस होगा, और फिर से वही इक्वेशन सेकंड यूज़ होगी, यूटी वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा. 15 क्वेश्चन है, बुलेट इज़ मूविंग एट अ स्पीड, याद रखिए हमेशा गन और बुलेट वाले केस में यू विल ऑलवेज बी इन दैट केस. अब जैसे यहाँ लिखा है बुलेट इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस व्हेन इट इम्बीड्स इनटू अ लंप. अब देखिए दो यहाँ पर सिचुएशंस हैं, अगर लिखा है बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन तो उस कंडीशन में यू ज़ीरो होगा, और अगर ऐसा लिखा है बुलेट फायर होने के बाद किसी चीज़ में एम्बीडेड हो जाती है. एम्बीडेड का मतलब है वॉल के अंदर चली जा रही है, किसी वुडन ब्लॉक के अंदर चली जा रही है, तो इसका मतलब जो बुलेट है वो रुक जाएगी. तो वी क्या होगा, ज़ीरो. तो जब वी ज़ीरो होगा उस सिचुएशन में जो गिवन है वो यू होगा, 367 मीटर पर सेकेंड. द बुलेट पेनिट्रेट्स फॉर अ डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस तक वो पेनिट्रेशन करती है और क्ले के अंदर, उसके बाद में डिटरमाइन करना है आपको एक्सेलरेशन. तो यहाँ आपको ए फाइंड आउट करना है, वी ज़ीरो है, यू गिवन है, फॉर्मूला इज ऑल्सो रिटन हियर. तो आंसर माइनस साइन के साथ में आएगा क्योंकि जो बुलेट है वो रुक जा रही है, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है. पर देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने आपके होमवर्क के लिए भी दे रखा है इसमें. मैच द कॉलम, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए. स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. और कॉलम बी में स्केलर या वेक्टर ही लिखा है, तो आपको जो स्केलर है उसको स्केलर से मैच करना है, जो वेक्टर है उसको वेक्टर से मैच करना है, एंड दिस सॉल्यूशन विल सेंड टू मी. दूसरा कॉलम है आपका कन्वर्जन का, मैंने आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना बताया है. तो किलोमीटर पर आर के लिए, किलोमीटर पर आर, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, वन आर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600. तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 5/18 से, अगर आप किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हो. और अगर किलोमीटर पर, जैसे इसमें दे रखा है किलोमीटर पर सेकंड भी है आपका फोर्थ वाले पॉइंट पर, तो किलोमीटर पर सेकंड में सिर्फ आपको किलोमीटर को ही कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. किलोमीटर पर मिनट है तो 1000/60 से मल्टीप्लाई करेंगे.
तो ध्यान रखिए किसको किस में कन्वर्ट करना है, और फिर आपको कॉलम बी से जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैच करना है। और एक आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ, ये भी आपका होमवर्क है। फाइंड फॉलोइंग बेस्ड ऑन द ग्राफ विच पाथ्स हैव कॉन्स्टेंट स्पीड, ये जो आपके पाथ्स हैं, एक बॉडी है देखिए, टाइम की नीचे एक्सेस है, ऊपर स्पीड की एक्सेस है। पार्ट्स कौन कौन से हैं ग्राफ के, ओ ए फर्स्ट पार्ट है, फिर ए बी पार्ट है, फिर बी सी है, फिर सी डी है, देन डी ई है। तो कौन सा पार्ट है जो कॉन्स्टेंट स्पीड शो कर रहा है, कौन सा पार्ट है जो मैक्सिमम स्पीड शो कर रहा है, कौन से पार्ट में एक्सेलरेशन है, और कौन से पार्ट में डिक्लेरेशन का मतलब रिटार्डेशन है। तो मैंने आपको ग्राफ्स पढ़ाए हैं, किस ग्राफ का शेप कैसा होता है, तो गिव द आंसर ऑफ दिस ऑल्सो। ओके, सो नाउ दिस इज़ द वर्क ऑफ टुडे, प्रैक्टिस दिस, थैंक यू।